हाँ जी भाई इधर आइए देखते हैं अपना इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4 और आज के हमारे कोर टॉपिक्स क्या रहने वाले हैं जरा देख लीजिए एक बार। चैप्टर बेटा ऑब्वियसली फर्स्ट ही चल रहा है अभी। पहले तो बेटा हम देखेंगे वेन डायग्राम, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हम बेटा देखेंगे यूनियन ऑफ सेट्स क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है और डिफरेंस क्या होता है। ये हम फोर टॉपिक्स आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। शुरू करते हैं बेटा वेन डायग्राम से। इसकी एप्लीकेशंस अभी हम बाद में देखेंगे, जब बाकी सारे टॉपिक्स देख लेंगे उसकी एप्लीकेशन बाद में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ क्या समझाने वाला हूँ आपको कि वेन डायग्राम क्या होता है, ठीक है। बेटा हमने एक चीज़ देखी थी कि हर एक सेट का बेटा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट को बेटा याद रखना हम किससे डिनोट करेंगे, किसी एक रेक्टेंगुलर डायग्राम से डिनोट करेंगे, ठीक है, एक रेक्टेंगल से बेसिकली डिनोट करेंगे, ठीक है। इस यूनिवर्सल सेट के ऊपर इसको बेटा यहां पर कॉर्नर पे यू लिख दिया जाएगा या ऊपर यू लिख दिया जाएगा, जहां आपका मन करे वहां लिख दीजिए। तो ये जो यू है वो क्या डिनोट कर रहा है, यूनिवर्सल सेट। एक एग्जांपल लेकर समझाता हूं तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। लेट से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 और एक कोई इसका सबसेट है लेट से बी, जो कि क्या है 1, 2, 5, ये इसका सबसेट है। तो बेटा ये जो सबसेट है वो इसी का एक पार्ट है और इसका जो पार्ट है वो बेटा एक सर्कुलर पार्ट से डिनोट किया जाएगा। अब आप देखिए ये जो सर्कल है वो इसका पार्ट है या नहीं है, ऑब्वियसली। अच्छा ये जो पार्ट है बेटा ये एक्चुअली क्या है, सेट बी है। क्या है बेटा ये, सेट बी। अब मैं क्या करूँगा, इन सारे के सारे एलिमेंट्स को इनके अंदर लिखूँगा। तो इस यूनिवर्सल सेट में बेटा सारे के सारे नंबर्स आने चाहिए 1, 2, 10 और इस सर्कल के अंदर बेटा क्या आना चाहिए, 1, 2, 5। तो 1, 2, 5 तो यहाँ आ गया, फिर 3, 4, 6, 7, 8, 9 और 10 बेटा यहाँ आ जाएंगे। अब आप ज़रा देखिए यूनिवर्सल सेट में सारे 1, 2, 10 नंबर्स आ गए और इस सेट बी में बेटा क्या आ गया, 1, 2 और 5 आ गए। समझ में आ रही बात है नहीं। तो ये जो बेटा रिप्रेजेंटेशन है किसी भी सेट्स की वो क्या है बेटा, वेन डायग्राम है। समझ में आ गई बात है नहीं। ज़रूरी थोड़ी ना बेटा ऐसा ही हो, हो सकता है एक और कोई सेट हो ए बी सी और उस बी में बेटा क्या हो, 5, 8, 10 हो। तो अब आप इसको कैसे, इन दोनों को एक साथ में कैसे रिप्रेजेंट करोगे, ज़रा देख लीजिए। आप क्या करेंगे, पहले एक सेट लेंगे रेक्टेंगुलर सेट, मतलब रेक्टेंगुलर डायग्राम, जिसको बेटा हम किससे डिनोट करेंगे, यूनिवर्सल सेट से डिनोट करेंगे, मतलब कि यू से डिनोट करेंगे। अब इसके अंदर दो हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, सेट बी और सेट सी, ठीक है। अब जैसे यहां पर ए है तो आप ए डिनोट करोगे, देखो यहां पर ये यूनिवर्सल सेट को मैंने किससे डिनोट किया है, ए से, तो आप ए से डिनोट करेंगे, ठीक है। मैं चलो इसको यू से ही डिनोट कर देता हूं सो दैट किसी तरीके कोई कंफ्यूजन ना हो। अब बेटा जरा देखिए, मैंने ले लिया एक सेट ये बेटा क्या है, सेट बी। क्या है बेटा, सेट बी, ये रहा सेट बी। अब बेटा जरा ध्यान दीजिए कि इन दोनों में कुछ कॉमन भी है, कुछ पार्ट कॉमन भी है और जब बेटा पार्ट कॉमन होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, इसको ओवरलैप करवाते हैं। क्या करवाते हैं बेटा, ओवरलैप करवाते हैं। देखो अब जरा ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन क्या आ गया, कॉमन आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा ये सेट क्या है बेटा, सेट सी है। अब इसके अंदर बेटा आप लिखेंगे एलिमेंट्स, पहले तो आप लिखेंगे बेटा कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। तो बेटा सेट बी में 5 तो मैंने लिख दिया है, क्या बचा बेटा, 1 और 2। तो ये हो गया सेट बी। अब सेट सी में आ जाओ बेटा, 5 तो मैंने लिख दिया है, क्या बचा, 8 और 10। अब बाकी जो बचे हुए एलिमेंट्स है वो बेटा इसके बाहर आएंगे। तो देखिए 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 बचा है, 4 बचा है, 6 बचा है, 7 बचा है और 9 बचा है। ये है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेन डायग्राम थ्रू वेन डायग्राम, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स बाय वेन डायग्राम।
अब इनकी एप्लीकेशंस क्या होंगी इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम कुछ और पॉइंट्स देखेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स, जैसे कि बेटा हमने ऑपरेशंस की जब भी बात करते थे मैथमेटिक्स में, वहां बात करते थे एडिशन की, सब्ट्रैक्शन की, मल्टीप्लीकेशन की और डिवीजन की, लेकिन बेटा यहां पर तो क्या है, एक सेट है 1 2 3 4 5। अब इसकी एडिशन कैसे करोगे? इसकी ना ही एडिशन कर सकते हैं, ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, ना मल्टीप्लीकेशन, ना ही डिवीजन। तो यहां पर बेटा ऑपरेशंस कुछ अलग तरीके से अप्लाई किए जाएंगे, और वो क्या होंगे जरा देखिए। पहला बेटा क्या है हमारा, यूनियन ऑफ सेट्स। यहां पर यूनियन 2 सेट्स का भी हो सकता है, 3 सेट्स का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है, और ज्यादा का भी हो सकता है। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं बेटा। मान लीजिए मैंने एक लिया सेट ए जिसमें लिखा 1 2 3 5, और फिर बेटा लिखा मैंने बी जिसमें लिखा बेटा मैंने 2 5 8 9। तो मैं क्या करूंगा, इनका यूनियन, ए बी का यूनियन, यूनियन के लिए बेटा हम यू लगाते हैं बीच में, यूनिवर्सल सेट के लिए भी यू लगाते हैं, थोड़ा बड़ा बनाया जाता है, यूनियन के लिए यू थोड़ा छोटा बनाया जाता है, बस इतना सा डिफरेंस है। यूनियन को बेटा हम बीच में यू लगाकर डिनोट करेंगे, और होता क्या है बेटा यूनियन, आप क्या करेंगे बेटा सेट ए और सेट बी दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, और जो कॉमन है उनको सिर्फ एक बार लिखा जाएगा। हमने पढ़ा है कि सेट में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 5 आएगा। देखो 2 और 5 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, अब मुझे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो बचा क्या, 8 और 9, ये हो गया यूनियन। अगर बेटा दो ऐसे सेट दे दें 1, 7, 8 और बी को दे दें आपको क्या 2, 4, 10, तो इनका यूनियन बेटा क्या आ जाएगा, 1, 2, 4, 7, 8, 10। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिख दीजिए, यही क्या है इन दोनों का यूनियन। समझ में आ गई बात ये नहीं, आ जाइए जरा डेफिनेशन देखते हैं। वो आपसे क्या कह रहा है, द यूनियन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द सेट सी विच इज कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच आर आइदर इन सेट ए और इन बी। मतलब के या तो सेट ए में प्रेजेंट है या सेट बी में प्रेजेंट है, अगर दोनों में है उसको एक बार लिख दिया जाएगा, ठीक है। इंक्लूडिंग दोज विच आर इन बोथ, मतलब वो एलिमेंट्स लिखे जाएंगे जो दोनों में प्रेजेंट है, और सेट का हमने नियम पढ़ा हुआ है कि भाई कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूं तो बेटा इसको कैसे लिखेंगे, ए यूनियन बी बेटा क्या होता है, एक्स सच दैट एट बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। या तो सेट ए से एलिमेंट्स बिलोंग कर रहे हैं या सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं, दोनों में से किसी एक से तो बिलोंग कर ही रहे हैं, हो सकता है दोनों से बिलोंग करे तो वो कॉमन होगा, वो एक बार लिख दिया जाएगा। क्लियर हो गई बात यानी। तो ये है बेटा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। जरा ध्यान दीजिए बीच में मैंने क्या लिखा है, और का मतलब या तो ए से बिलोंग करता है या बी से, ठीक है। आगे आ जाइए बेटा, अब हम इनके कुछ लॉज पढ़ेंगे, ठीक है। सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशंस ऑन यूनियन, यूनियन की बेटा कुछ हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, सारे एग्जांपल्स देके समझाऊंगा। अगर कुछ लगे नहीं ये समझ में नहीं आ रहा तो एग्जांपल पूछ लेना, मैं आपको अलग से एग्जांपल दे दूंगा। पहले जरा देखिए, दो सेट हैं ए यूनियन बी और बी यूनियन ई, आप दो एलिमेंट्स को, दो सेट्स का यूनियन निकालो, आप किसी भी ऑर्डर में निकालो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सेट ए के और सेट बी के दोनों के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, और आपको पता है सेट में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, तो ये दोनों आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और इस लॉ को बेटा हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। क्लियर हो गई बात है। दूसरा बेटा क्या है, ऑब्वियसली 3 सेट्स में आप किसी भी ऑर्डर में यूनियन निकाल लीजिए, आंसर सेम आने वाला है, तो बेटा ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ। क्लियर हो गई बात है। नेक्स्ट बेटा क्या है, अगर बेटा मैं ए यूनियन फाई निकाल दूं, ध्यान दीजिए बेटा, इसको एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। सेट ए में 1 2 3 और सेट बी है जिसमें कुछ भी नहीं है, या फिर बेटा क्या है, फाई है। बताइए जरा ए यूनियन बी में क्या
क्या लिखा जाएगा, सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखे ही जाएंगे और सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। सेट बी में कुछ है ही नहीं, तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स आ, बीच में क्या लगा हुआ था, और या तो सेट ए के होंगे या सेट बी के होंगे या दोनों के हो सकते हैं। अब जब सेट, अब सेट बी में कुछ भी नहीं है तो किसके एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, ए के लिखे जाएंगे। तो क्या आया इन दोनों का यूनियन निकाल के, सेट ए ही आ गया, ठीक है। और इसको बेटा क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ आइडेंटिटी ऑफ फाई, ठीक है। अच्छा इसके बाद बेटा ए यूनियन ए, अगर इसी का इंटरसेक्शन मैं इसी के साथ निकाल दूं, एक एलिमेंट का एक सेट का उसी के साथ यूनियन निकाल दिया जाए, क्या मतलब है इसका जरा समझिए। मैंने सेट ए लिखा 1, 2, 3, फिर मैंने सेट ए दोबारा से लिख दिया 1, 2, 3, दोनों का यूनियन बताना जरा क्या आएगा, 1, 2, 3 विच इज सेट ए। तो ए का यूनियन अगर खुद के साथ ही निकाल दिया जाए तो ए ही आ जाता है, और इस लॉ को बेटा हम क्या बोलते हैं, आइडमपोटेंट लॉ। क्या बोलते हैं बेटा, आइडमपोटेंट लॉ, ठीक है, जब खुद का यूनियन खुद के साथ निकाल दिया जाए तब। नेक्स्ट बेटा क्या है, अगर यूनिवर्सल सेट के साथ सेट ए का यूनियन निकाल दिया जाए तो क्या आएगा, दिमाग लगाओ जरा, यू खुद ही आ जाएगा, कैसे आएगा जरा देखिए। अभी हमने एक एग्जांपल लिया था सेट ए, जिसमें था 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये, सॉरी ये यूनिवर्सल सेट था, और मैं एक सेट ले रहा हूँ लेट से 1, 5, 7, बताइए जरा दोनों का यूनियन क्या आएगा। बेटा ये पूरा का पूरा आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि ये तो रिपीट हो रहे हैं, रिपीट होने वाले को एक बार लिखा जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट के साथ अगर यूनियन निकाल दिया जाए तो बेटा यूनिवर्सल सेट ही आ जाता है, क्लियर हो रही बात या नहीं। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल, ठीक है, सेट या फिर यू। आ जाइए बेटा नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज इंटरसेक्शन। क्या होगा बेटा, इंटरसेक्शन ही है ना, हाँ जी बेटा। इंटरसेक्शन बेटा जरा ध्यान दीजिए क्या होता है, मैंने लिया सेट ए जिसमें लिखा बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक लिया मैंने बेटा क्या, बी जिसमें लिखा 3, 6, 8, 10। आपको बेटा ए और बी के बीच में क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को बेटा कैसे लिखते हैं, उल्टा यू, आधे जो अभी आपने यू लिखा था उसका उल्टा लिखेंगे। जैसे यूनियन ऐसे लिखा जाता है, इंटरसेक्शन ऐसे लिखा जाता है। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसको कैसे रीड करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसमें बेटा क्या होगा, सेट ए और सेट बी में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं सिर्फ वो लिखे जाएंगे, ना ही कोई एलिमेंट लिखा जाएगा सेट ए का ना ही बी का जो एक्स्ट्रा है, जो कॉमन है सिर्फ वो लिखा जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं, डेफिनेशन देख लीजिए। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और बेटा ले लेते हैं, मान लीजिए 1, 3, 5, 7, बी बेटा ज़रा देखिए 2, 4, 6। बेटा इनके बीच में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या आ गया बेटा, 5। समझ में आ रही बात या नहीं। अगर मैं सेट ए का सेट ए के साथ ही इंटरसेक्शन निकाल दूं तो बेटा सेट ए ही आ जाएगा, पूरा का पूरा ही कॉमन हो गया फिर तो। समझ में आ रही बात या नहीं। अगर मैंने यहाँ पे यूनिवर्सल सेट ले लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 मतलब 10 तक ले लिया, तो अब मुझे ये बताइए कि अगर ए का इंटरसेक्शन निकालूं मैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो बेटा क्या आ जाएगा, ये पूरे के पूरे ही तो कॉमन है इसमें, तो क्या आ जाएगा, सेट ए आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, हाँ जी, कन्फ्यूजन है आपको, क्लियर हो रही बात या नहीं। आ जाओ बेटा डेफिनेशन देखते हैं, वो आपसे क्या कह रहे हैं। क्या बोल रहे हैं वो आपसे, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी, दोनों से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, जो दोनों से बिलोंग कर रहे हैं वही है आपका इंटरसेक्शन। इसको मैथमेटिकली लिखे तो बेटा आप जरा ध्यान दीजिए, जैसे यूनियन में लिखा था वैसे ही इंटरसेक्शन में लिखा जाता है, बस एक बीच में वर्ड चेंज हो गया, एंड दैट इज एंड, मतलब सेट ए से भी बिलोंग करना चाहिए एंड सेट बी से भी बिलोंग करना चाहिए। वहां पे और था, दोनों में से किसी एक से भी चलेगा, यहां पर दोनों में होना चाहिए। समझ में आ गई बात या नहीं। तो कहीं पर भी अब इंटरसेक्शन बीच में आएगा तो मैं क्या यूज करूंगा,
एंड यूज करूंगा, और कहीं पर अगर मुझे यूनियन शो करना होगा तो मैं क्या यूज करूंगा, और यूज करूंगा। इज दैट क्लियर? अब बेटा इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे यूनियन की प्रॉपर्टीज देखी हैं, वैसे ही इंटरसेक्शन की भी बेटा प्रॉपर्टीज होती हैं। जो सारी चीज़ें बताएं वही हैं। कोई भी दो सेट हैं, आप उनका इंटरसेक्शन कैसे निकालो, ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए, कॉमन ही तो देखना है आपको, ऑर्डर मैटर करता नहीं है। तो बेटा ये क्या है आपका, कॉम्यूटेटिव लॉ। दूसरा बेटा, अगर थ्री सेट्स हुए उनके बीच में कुछ कॉमन निकालना है तो आप कॉमन देख लो, तीनों में कॉमन क्या है, तो वो क्या हो जाएगा बेटा, कॉम्यूटेटिव। क्या इसका एग्जाम्पल दो तीन सेट का, या क्लियर हो गई बात? इसको बेटा क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, फिर बेटा नेक्स्ट आपका क्या है, अगर किसी भी सेट का फाई के साथ इंटरसेक्शन निकाल दिया जाए, खुद दिमाग से सोचो, एक सेट में ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे, फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं, तो दोनों में कॉमन क्या है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बेटा क्या आ गया, फाई। फिर आप सोचिए ए का इंटरसेक्शन निकालना है यूनियन के साथ, यूनिवर्सल सेट के साथ, तो यूनिवर्सल सेट बड़ा होगा, ए छोटा होगा, लेकिन ए जो है वो यूनिवर्सल सेट का एक पार्ट है, तो कॉमन क्या होगा, सेट ए ही कॉमन होगा। ठीक है, इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ फाई एंड यू, या फिर यूनिवर्सल सेट। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, अगर ए का ए के साथ ही इंटरसेक्शन निकाल दिया जाए, अभी हमने पढ़ा है, ये क्या होता है बेटा, आइडम्पोटेंट लॉ। क्या होता है बेटा, आइडम्पोटेंट लॉ, जब खुद के साथ ही यूनिवर्सल सेट या निकाल दिया। यहां पर बेटा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा, ध्यान देना बेटा, ये काम की चीज है, ये प्रूफ में काम आने वाली चीज है, कहोगे तो इसका एग्जाम्पल भी देकर समझा दूंगा, जरा ध्यान दीजिए। यहां पर है ए, फिर इंटरसेक्शन, और ब्रैकेट में क्या है बेटा, यूनियन। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहते हो तो बिल्कुल मल्टीप्लीकेशन की तरह काम करता है, ए इंटरसेक्शन बी, फिर बीच में क्या आ जाएगा बेटा, यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये बेटा लॉ है। इसके बाद एक और एग्जांपल दिया हुआ है, नहीं रुक जाओ, एक और भी होना चाहिए, तो मैं एक और लिख देता हूँ यहाँ पर, इसका बेटा एक्चुअली है सेम ही, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, बिल्कुल सेम वही केस रहेगा, इसको ए यूनियन बी लिख दिया जाएगा, बीच में क्या आएगा बेटा, इंटरसेक्शन, और फिर क्या आएगा, बी इंटरसेक्शन सी। क्या इसका एग्जांपल देखना चाहते हो, हाँ एग्जांपल देखना चाहते हो, ठीक है देख लीजिए, जरा एग्जांपल देख लीजिए। मैंने क्या किया, सेट ए लिया 1 2 3 4 5 6, मैंने सेट बी लिया बेटा 4, 6, 8, मैंने सेट सी लिया 6, 4, 10, 8, 7, चलो 8 ले लेते हैं। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान दीजिए, मुझे पहले क्या शो करना है, फर्स्ट पार्ट में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, एक पार्ट करके दिखा रहा हूँ, दूसरा आपको समझ आ रहा है। बेटा इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मुझे पहले किसकी ज़रूरत पड़ेगी, बी इंटरसेक्शन सी की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी निकालिए, बी इंटरसेक्शन सी, दोनों में क्या कॉमन है बेटा, 4, 6, बताइए कोई दिक्कत, इन दोनों में, हाँ 8 भी कॉमन है। अब बेटा इसका यूनियन निकालना है किसके साथ, ए के साथ, तो लिख दीजिए भाई, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा और 8 आ जाएगा, किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब इसका राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, राइट हैंड साइड मैंने आपको क्या बताई थी, राइट हैंड साइड बताई थी बेटा ए यूनियन बी, फिर इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी। तो अब आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है, हाँ यूनियन गलत दिया क्या मैंने, थोड़ा गलत हो गया, रुक जाओ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, अब ठीक है ध्यान दीजिए बेटा, मुझे किसकी किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ए यूनियन बी की, और किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ए यूनियन सी की। तो आप पहले ए यूनियन बी निकाल लीजिए, ए यूनियन बी बेटा क्या है ज़रा देख लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और फिर क्या आएगा बेटा, 8 आएगा, और किसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी बेटा क्या है ज़रा देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और क्या है बेटा, 8 है और साथ में क्या है बेटा, 10 है। अब इनके बीच का आपको क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन। अब बताइए ज़रा इसमें और इसमें क्या कॉमन नज़र आ रहा है आपको, 1 नज़र आ रहा है, 2 नज़र आ रहा है, 3, 4, 5, 6 और 8,
सेवंथ कहाँ है? एट है। अब देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रहे हैं नहीं आ रहे, इसी से बेटा ये प्रूव हुआ कि ए यूनियन बी, ए यूनियन क्या हो गया, इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल होता है बेटा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, दूसरा वाला अब आप खुद ऐसे ही कर सकते हो, कुछ है तो नहीं इस पर टॉपिक। क्लियर कर दूं क्या मैं, क्लियर कर दे रहा, ठीक है, क्योंकि इस पर कुछ लिखा हुआ था। अब बेटा देखिए डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ध्यान से समझेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर बच्चे फंस जाते हैं। आपको लगता है बहुत ईजी है, लेकिन दो चार पाँच दिन के बाद फिर दिक्कत आती है। ज़रा देखिए, मैंने लिया सेट ए जिसमें लिखा 1 2 3 4, मैंने लिया सेट बी जिसमें लिखा बेटा 3 5 7। अब आप डिपेंड करेगा आप ए माइनस बी निकाल रहे हो या बी माइनस ए निकाल रहे हो। जब बेटा ए माइनस बी निकालोगे तो बेटा जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो डिलीट कर दिए जाएंगे और सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स को लिखा जाएगा, सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, सेट बी का कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए, इसीलिए बेटा थ्री को भी डिलीट किया गया है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो सेट ए के सारे एलिमेंट्स आएंगे, अगर कुछ कॉमन है तो वो कॉमन वाला एलिमेंट भी डिलीट कर दिया जाएगा और सेट बी का तो कोई भी एलिमेंट आसपास भटकना भी नहीं चाहिए। समझ में आ गई बात या नहीं? अब बी माइनस सी जरा देखिए, बी माइनस सी इसमें और इसमें जरा देखो, अब बेटा 5 और 7 लिखा जाएगा, दोबारा से बेटा क्या कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, तो वो डिलीट कर दिया जाएगा। मतलब जो पहले लिखा हुआ है उसके सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे, जो बाद में लिखा हुआ है वो सारे के सारे एलिमेंट्स डिलीट कर दिए जाएंगे। इंटरसेक्शन, और इसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन होते हैं, हमें लगता है यहाँ कॉमन डिलीट करने हैं, नहीं भाई कॉमन डिलीट नहीं करने, सेट बी पूरा का पूरा डिलीट करना है और इस केस में सेट ए पूरा का पूरा डिलीट करना है, और इसी वजह से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो भी डिलीट हो जाते हैं। मान लीजिए बेटा मैंने एक और सी ले लिया सेट, और उसमें ले लिया मैंने 5 9। अब बेटा ए माइनस सी बताओ जरा क्या आएगा, ए माइनस सी बेटा इसमें और इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बेटा ये पूरा का पूरा सेट ए ही आ जाएगा अगर कुछ कॉमन नहीं है तो। ठीक है, अच्छा अब बेटा क्या आएगा और क्या बचा, अगर ए में से ए को माइनस कर दो तो ऑब्वियसली क्या आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। समझ में आ रही बात है? अब जरा देखिए, तीन सेट आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पहले दो दो को करोगे ना माइनस, ब्रैकेट में करवाएंगे आपसे। ठीक है, इधर देखिए जरा, द डिफरेंस ऑफ दी सेट्स, सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। मतलब सेट ए से तो बिलोंग करेंगे, सेट बी से बिलोंग नहीं करेंगे। क्लियर हो रही बात है नहीं? देखो जरा, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू ए बट नॉट बी, सिंबॉलिकली वी राइट इट एज ए माइनस बी एंड रीड एज ए माइनस बी। समझ में आ गई बात है? ऑब्वियसली जब सेट चेंज होंगे तो नाम भी चेंज हो जाएगा और बोलने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। क्लियर हो रही बात है नहीं? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अब बेटा आते हैं वेन डायग्राम। अब हमने जो चीज़ें सीखी, यूनियन सीखा हमने, इंटरसेक्शन सीखा हमने और डिफरेंस सीखा, ये तीन चीज़ें सीखी, तीन चीज़ों को बेटा अब हम देखेंगे वेन डायग्राम्स। ठीक है, कैसे इनकी एप्लीकेशंस हैं अब वो देखेंगे। मान लीजिए बेटा वो आपसे कहेंगे ए यूनियन बी का वेन डायग्राम बताइए, पहला ए यूनियन बी, यहाँ पे नंबर नहीं होंगे बेटा, सिर्फ क्या दे दिया ए यूनियन बी, तो कैसे करोगे ज़रा देख लीजिए। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट तो सबका ही होता है, तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल लेना पड़ेगा और ये हो गया हमारा क्या, यूनिवर्सल सेट। बताइए किसी बच्चे कोई दिक्कत? फिर बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, दो सेट और लेने पड़ेंगे और वो दो सेट होंगे सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी, इसी कॉमन कॉपी कर देते हैं।
बताइए कोई दिक्कत। ये है बेटा हमारा सेट ए और ये है हमारा सेट बी। बेटा यूनियन हम कैसे निकालते हैं? हाँ जी बेटा, कोई बता सकता है यूनियन कैसे निकालते हैं? यूनियन निकालते हैं बेटा सेट ए के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, सेट बी के सारे एलिमेंट्स लिखे जाते हैं, और जो कॉमन है उसको एक बार लिखा। तो बेटा आप फिर ऐसे शेड कर दोगे, जो एलिमेंट्स इसमें इंक्लूडेड होंगे ना वो आप शेड कर दोगे। बाहर वाला कोई एलिमेंट इंक्लूडेड होगा क्या? नहीं। जब आप ए यूनियन बी निकाल रहे हो तो सिर्फ ए और बी के ही एलिमेंट्स इंक्लूडेड होंगे। तो ये जो बेटा वेन डायग्राम है शेडेड वाला, ये है ए यूनियन बी का। बताइए कोई दिक्कत? हाँ जी। अब बेटा सेकंड बेटा देखते हैं इसका इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी। अगेन बेटा इसी सेट को दोबारा से ले लेते हैं, डुप्लीकेट, और ये नीचे आ जाएगा सेट ए। ओए आप हमेशा बेटा क्या करोगे, ओवरलैप करके दिखाओगे। ठीक है, नामकरण कर लेते हैं भाई इनका। यह है यूनिवर्सल सेट, यह है सेट ए और यह है सेट बी। बेटा एक बात, इंटरसेक्शन क्या होता है? इंटरसेक्शन होता है इन दोनों का कॉमन पार्ट। और बेटा कॉमन तो मुझे बस ये दिख रहा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करता है। किसी बच्चे कोई दिक्कत? अब आ जाओ बेटा किस पर, अब जरा देखिए, हो सकता है कुछ कॉमन ही ना हो। हाँ जी, तो बेटा फिर दोनों सेट को अलग अलग आप डिनोट करके दिखाएंगे, ये अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। समझ में आ रही बात? यानी इस तरीके से कर सकते हैं। और बेटा क्या आ सकता है? और बेटा हो सकता है a माइनस बी। क्या हो सकता है बेटा? a माइनस बी। a माइनस बी कैसे निकालोगे जरा देख लीजिए, इसी को दोबारा से कॉमन कर लेते हैं। हो गया, अब बेटा मैं थर्ड आपको कौन सा बता रहा हूं, ए माइनस बी, ये थर्ड है। ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये हो गया सेट ए और ये हो गया सेट बी। बेटा कॉमन वाला तो कोई पार्ट लिखा ही नहीं जाएगा। हाँ जी, जो कॉमन है वो कुछ लिखा ही नहीं जाएगा, सिर्फ सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे। तो बेटा सेट ए के एलिमेंट्स कौन से होगा जरा देखिए, ये वाला, ये जो पोर्शन है वो क्या है बेटा, ए माइनस बी है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? ये बेटा टू वाले हो गए, टू सेट्स के हो गए, थ्री सेट्स के तो कराए नहीं ना। अब जरा देखो ए यूनियन बी हो गया बेटा आपका, ठीक है माइनस। अब बेटा नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, थ्री सेट्स वाला कराता हूँ मैं, मुझे लग रहा था कुछ रह रहा है, मिसिंग हो रहा है कुछ। इधर देखो जरा, अब बेटा सेट थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका सेट ए मान लीजिए, ठीक है, इसको कर देते हैं वाइट। ये हो गया, डुप्लीकेट आ जा भाई, ग्रीन है हो जा भाई, अच्छा हो गया, ये ले लिया बेटा, पूरा ओलंपिक का बन गया, नहीं बन गया। ये है बेटा आपका क्या, यूनिवर्सल सेट। ये हो गया बेटा आपका ए, ये हो गया बी और ये क्या हो गया, सी। अगर बेटा वो आपसे पूछें किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पूरा ही शेड कर दोगे, कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर बेटा वो आपसे ये पूछें ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, अगर ऐसा कुछ पूछ लिया जाए, या फिर पहले चलो तीनों में कॉमन दिखा देता हूँ, ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों के बीच में बेटा कॉमन क्या नज़र आ रहा है आपको, ज़रा बताइए। ये बीच वाला पोर्शन,
तो बेटा ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? और एग्जांपल लेते हैं बेटा, अगर बेटा ये थ्री सेट्स हैं, ये मान लीजिए यूनिवर्सल सेट, ये ए ये बी और ये सी। अगर बेटा वो आपसे ये कहें कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, अब थोड़ा बेटा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा अब हमें, ठीक है। देखिए जरा बेटा, ए यूनियन बी तो ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया, ये पूरा का पूरा पार्ट। ऐसा करो थ्री सेट्स हैं लेकिन आपको ए यूनियन बी बताना है, ठीक है। थ्री सेट्स हैं लेकिन आपको सिर्फ क्या बताना है, ए यूनियन बी। तो जरा देखो कौन से वाला पार्ट आएगा बेटा, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा या नहीं आएगा, सी रह जाएगा। समझ में आ रही बात या नहीं? सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स आएंगे, सी नहीं आएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जरा ध्यान दीजिए, अब वो निकाल रहे हैं, पूछ रहे हैं आपसे इनमें से इंटरसेक्शन ऑफ सी, इन दोनों में और सी में क्या कॉमन है। हाँ जी, इन दोनों में भी कॉमन होना चाहिए और सी के साथ भी कॉमन होना चाहिए, मतलब इन दोनों का यूनियन निकालिए और सी के साथ फिर क्या कॉमन होगा बताओ जरा। हाँ, ये वाला पोर्शन जब आप इन दोनों का यूनियन निकाल लोगे, फिर सी के साथ कॉमन पोर्शन क्या होगा बेटा, ये वाला शेडेड पीस जो है वो क्या होगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। समझ में आ रही बात है नहीं? तो ये आ गया बेटा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कर लेते हैं और साथ में यूनियन निकाल लेते हैं सी का, तब क्या होगा जरा देखिए। अब जरा देखिए, ये है आपका यूनिवर्सल सेट, ये है ए, ये है बी और ये है सी। मतलब वेन डायग्राम में आपको नंबर नहीं होंगे। इससे पहले जो मैंने आपको नंबर लेकर समझाया वो इसलिए समझाया कि आपको समझ में आया कि एक्चुअली है क्या, लेकिन आपको एक्चुअल में नंबर वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस ऐसे इमेजिन करके ही करना है। मैं आपसे बेटा क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं जरा ध्यान दीजिए, मैं आपसे कह रहा हूं ए इंटरसेक्शन बी और उसका यूनियन निकालना है किसके साथ, सी के साथ। ए यूनियन बी बेटा क्या होगा, ये सॉरी इंटरसेक्शन, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है बेटा, ये बीच वाला पोर्शन है या नहीं है, और इसका यूनियन निकालना किसके साथ, सी के साथ। तो बेटा यूनियन में पहली बात तो ये जो कॉमन है ये सारे के सारे आएंगे, और बेटा साथ के साथ सी के तो सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे ही आएंगे, उसमें कुछ भी नहीं बचेगा। तो बेटा दोनों में जो कॉमन है वो आएगा और सी के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ये है बेटा वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। समझ में आ रही बात है नहीं? तो इस तरीके से टू और थ्री का आप निकालेंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखो बेटा वेन डायग्राम तो बहुत सारे बन सकते हैं, आपको बेसिकली समझना है कि किस तरीके से इसका यूज करना है, ठीक है। देखो जरा, ये है यूनिवर्सल सेट, ये है ए, ये है बी और ये क्या है आपका सी। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मेरा क्वेश्चन बेटा इस बार ये है कि ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन दिस, इन दोनों का इंटरसेक्शन मतलब ये बीच वाला पोर्शन आ गया, इसमें से सी के सारे एलिमेंट्स निकाल दीजिए। बेटा क्या बचा, सिर्फ ये वाला पोर्शन। क्या बचा बेटा, ये वाला पोर्शन बचा, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। क्या समझ में आया ये बेटा, जरा ध्यान दीजिए, ए इंटरसेक्शन निकालोगे तो ये बीच वाला पूरा पोर्शन आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये बीच वाला पूरा पोर्शन आएगा या नहीं आएगा।
अब बेटा इसमें से हमें क्या माइनस करना है, सी के सारे एलिमेंट्स माइनस करना है, और हमने पढ़ा है सी के बाकी एलिमेंट्स तो लिखे नहीं जाएंगे, सिर्फ जो कॉमन है उसको डिलीट कर दिया जाएगा। तो ये ऊपर वाला पोर्शन बचा, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि अच्छा वो फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ अभी। तो क्या अब आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको बेटा वेन डायग्राम्स बनाने हैं? वो आपको दे देंगे और बोलेंगे रिप्रेजेंट दिस विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, तो आपको वेन डायग्राम्स वहाँ पर बनाने हैं। क्लियर हो गई बात या नहीं? या फिर एक क्वेश्चन देंगे उसको बोलेंगे शो द सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम ऑल्सो, तो आपको क्वेश्चन भी सॉल्व करना होगा और साथ के साथ वेन डायग्राम्स भी बताने होंगे। क्लियर हो रही बात किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो ये था बेटा हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4, और आई होप कि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम देखेंगे इसके बाद एग्जांपल्स और एक्सरसाइज, प्लीज़ नोट इट डाउन।